महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले भाजपा के महासचिव पर एक बड़ा आरोप लगा। महासचिव विनोद तावड़े की वीडियो से बवाल मच गया, जिसमें वो पैसे बांटते नजर आए। नोट फॉर वोट के मामले में इतना तुल पकड़ा कि विपक्ष के निशाने पर अब बीजेपी है। ये पूरी घटना पालघर के नाला सुपारा विधानसभा सीट की है। बता दें, नाला सुपारा विधानसभा सीट हॉट सीटों में से एक है, जिस पर सबकी नजर टिकी है। वहीं इस गरमाए मुद्दे के बीच बीवीए का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। दरअसल तावड़े पर यह आरोप मुंबई के नाला सुपारा विधानसभा के वर्तमान विधायक क्षितिज ठाकुर ने लगाया। क्षितिज इलाके के कद्दावर नेता हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं। बीवीए के क्षितिज ठाकुर 3 बार चुनाव जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि हितेंद्र ठाकुर हैं कौन। मुंबई आउटर में स्थित वसई का इलाका, जो कि पालघर से लगा है, ये इलाका समुद्र के किनारे स्थित है। हितेंद्र ठाकुर का जन्म इसी इलाके में विष्णु ठाकुर के घर 1961 में हुआ। 63 साल के हितेंद्र 1988 में राजनीति में आए। कहा जाता है कि राजनीति में आने से पहले हितेंद्र अपने भाई के साथ डेयरी फार्म चलाते थे, लेकिन 1988 में एक घटना के बाद हितेंद्र राजनीति में आ गए। ये घटना थी रियल स्टेट कारोबारी सुरेश दुबे की हत्या। हत्या का आरोप हितेंद्र के भाई जयेंद्र उर्फ भाई ठाकुर पर लगा था। इस हत्या के बाद पुलिस ने ठाकुर परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला। पुलिस ने भाई ठाकुर पर दाऊद गैंग से जुड़ने के आरोप लगाए। कहा जाता है कि उस वक्त दाऊद का ठाकुर परिवार के घर आना जाना भी था। हालांकि ठाकुर परिवार हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा। दाऊद से नाम जुड़ने और क्राइम पुलिस की चंगुल में फंस चुके ठाकुर परिवार ये समझ गया था कि अब राजनीति ही आखिरी सहारा है। इसके बाद ही हितेंद्र कांग्रेस में आ गए। हितेंद्र ने कांग्रेस में सालों तक राजनीति की, बाद में खुद की बहुजन विकास अघाड़ी नाम की पार्टी बना ली। हितेंद्र और उनका परिवार तब से ही बहुजन विकास अघाड़ी के जरिए लोगों से संपर्क में रहता है। पालघर की 3 विधानसभा सीटों पर ठाकुर परिवार का ही सियासी दबदबा है। वहीं हितेंद्र ठाकुर के पास अरबों की संपत्ति है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक अकेले हितेंद्र की चल संपत्ति 39 करोड़ रुपए है। उनकी पत्नी की चल संपत्ति 23 करोड़ है। हितेंद्र की अचल संपत्ति करीब 46 करोड़ है। उनकी पत्नी के पास 24 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। हितेंद्र ने अपना पेशा व्यवसाय बताया है। उनकी पत्नी भी व्यवसाय ही करती है। हितेंद्र पर कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। हितेंद्र के अलावा परिवार से बेटा क्षितिज और बहू भी राजनीति में है। हितेंद्र के एक और बेटे उतंग व्यवसाय करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।